फटपड़गंज औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। ऑटो वाले ने शातिर अंदाज से शख्स को बनाया निशाना। लुटेरे ने कुछ रुपए, मोबाइल और दस्तावेज छीन कर दिया ऑटो से धक्का। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। गीता कॉलोनी की सफेदा झुग्गी में एक महिला ने किया सुसाइड, लगाई फांसी। महिला ने अपने पति से झगड़ा करने के बाद लगाई फांसी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस महिला के पति से कर रही है पूछताछ। विवेक बिहार पुलिस ने एक आरोपी किया गिरफ्तार। आरोपी से 25 केसों का हुआ खुलासा। पुलिस ने की पूछताछ शुरू। आरोपी पर पहले से है आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज। चार दिन बाद खत्म हो जाएगी ईडीएमसी। मेयर ने कहा हर काम निगम और पार्षदों से जुड़ा है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आने तक पार्षद करते रहेंगे काम। और कड़कड़ुमा कोर्ट में डीएलएस द्वारा किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। यातायात चालानों का भी किया गया निपटारा। कोर्ट परिसर में पूरे कोविड नियमों का किया गया पालन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो ईडीएम मॉल के पास बस स्टैंड पर ऑटो लेन के लिए खड़ा था क्योंकि उसे गंगाराम अस्पताल जाना था। जैसे ही उसे ऑटो मिला तो ऑटो में पहले से ही एक लड़का बैठा हुआ था। 15 मिनट तक ड्राइवर ने ऑटो चलाने के बाद एक सुनसान जगह पर ऑटो रोक दिया और पहले से ही ऑटो में बैठे लड़के ने चाकू निकाल लिया और बैठे शख्स की पिटाई शुरू कर दी। आरोपी शख्स से कुछ रुपए, मोबाइल फोन और दस्तावेज छीन कर उसे ऑटो से धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ ही ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच में जुट गई है। पूर्व दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना इलाके में सफेदा झुग्गी में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद महिला ने घर में जाकर फांसी लगा ली। महिला के 2 बच्चे हैं। दरअसल पड़ोसियों को सुसाइड का पता तब चला जब पड़ोसियों ने देखा कि उसके बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन करके सूचना दी। पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जल्दी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और महिला के पति से पूछताछ की जा रही है। मम्मी अभी लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद वो 12 बजे के बीच में वो फांसी उसी लगा लिया। उसके बाद मुझे हम लोग को हल्ला हुआ जब मरने के बाद उसका बच्चा रो रहा। उसका पड़ोसी उड़ोसी गया देखने के लिए कि बच्चा क्यों इतना रो रहा, तो औरत फांसी पर लटका हुआ था। और उसके पता उसके जो मकान मालिक था उसे उतार पुता के देखा तो औरत मरी हुई। फिर 100 नंबर कॉल किया, पुलिस वाला आ गया। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की जगह के? बेगूसराय जिला है। बच्चे कितने हैं इसके? बच्चे 2 हैं, दोनों छोटे, एक दूध पी रहा है, एक 2.5 साल, एक 2 साल का, एक 5 महीने का। हाँ, झगड़ा इसको डेली होता था। इसका पूरा परिवार का झगड़ा डेली चलता रहता है। इसके जेठानी है कि देवरानी है, उसका भी झगड़ा रोज चलता रहता है। पूर्व दिल्ली के विवेक बिहार की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 25 केसों का खुलासा हुआ है। पुलिस को आरोपी के पास से एक बाइक और एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस चेकिंग के दौरान जब आरोपी की बाइक रोकी गई तो आरोपी बाइक के कागजात नहीं दिखा पाया और बताया ये बाइक उसके दोस्त की है। तभी पुलिस ने बाइक को वेरीफाई करवाया तो पता चला ये बाइक चोरी की है। आरोपी के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। एमसीडी के एकीकरण होने वाला है, जिससे अब से 4 दिन बाद ईडीएमसी अस्तित्व में नहीं रहेगी। इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हर काम निगम और पार्षदों से जुड़ा है, चाहे वो सफाई का हो, नालियों का हो, और भी कई काम है जो निगम से होते हैं। निगम पार्षदों के पास अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए निगम पार्षद तब तक काम करेंगे जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। निगम पार्षदों का क्षेत्र के नागरिकों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाना हो, चाहे टूटी फूटी गलियों को ठीक करवाना हो, सड़कें बनवानी हो, नालियाँ बनवानी हो, नाली की सफाई हो, नालों की सफाई हो, हर काम
निगम पार्षद से जुड़ा है। अभी सभी लोग मिलकर काम करें, जो जनता की समस्याएं उनको सुने, उनका समाधान करें। और मैंने देखा है हमारे सभी निगम पार्षद जनता की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। इस काम को आगे करते रहना है, जनता की किसी भी समस्या को इग्नोर नहीं करना, उनके हर काम को वैसे ही करना है जैसे हमने लगातार 5 सालों में किया है। DLSA द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों के साथ यातायात चालानों का निपटारा किया गया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के जज यशवंत कुमार ने बताया कि कुल 120 बेंच की व्यवस्था की गई। हर एक बेंच को 1200 चालानों का निस्तारण करने के लिए कहा गया। वहीं बताया है कि कोर्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और पानी की व्यवस्था थी, और इसमें ट्रैफिक चालान के साथ साथ MS City एक्सीडेंट के केस और कई ऐसे केस भी देखे गए। जिन मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही थी, उन पर भी जजमेंट को सुनाया गया है। कोर्ट परिसर में पूरा COVID-19 का ध्यान रखा गया, किस प्रकार से कोरोना के नियम का पालन करना है, सारे नियमों का पालन कोर्ट में किया गया है। नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया है, और ये हमने नालसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सुपरविजन में हमने ये पूरे दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये। और इस नेशनल लोक अदालत के तहत जो मैटर लिए जा रहे हैं, वो मैटर जैसे ट्रैफिक चलान हो गए हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो गए हैं, इसके अलावा MS City के हो गए हैं, मोटरबाइकल एक्ट, तो इस तरह से ये टोटल 14 बेंचेस इस डिस्ट्रिक्ट में बनी हैं। और हर किसी का जो अभी आपने सवाल किया कि जो चलान को डाउनलोड करने का, तो ये टोटल जो टारगेट किया था ये 1,44,000 का किया था। लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ गई थी कि साइट क्रैश हो गया था, डाउनलोड की प्रॉब्लम थी, इस बार नहीं है कोई प्रॉब्लम। 1200 चलान पर बेंच के हिसाब से इस बार डिस्पोज ऑफ करने का डिसीजन लिया था। पिछली लोक अदालतों में अब तक 1000 चलान एक बेंच निपटाती थी, इस बार एक बेंच 1200 चलान ले रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निपटारा भी हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, उनके जितने वाद हैं ट्रैफिक के अलावा जो रेगुलर कोर्ट्स में उनके जितने वाद हैं, कोविड के दौरान जो जितनी गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ था उसके संदर्भ में जितने वाद चल रहे थे, उन सब का आज निस्तारण किया जा रहा है। बिजली की नई दरें घोषित करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी कि DERC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जनसुनवाई खत्म हो गई। लोगों से मिले सुझाव और आपत्ति पर विचार करने के बाद आयोग जल्दी बिजली की नई दरें घोषित करेगा। पूर्व दिल्ली के RWA ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष BS बोरा ने उपभोक्ताओं से ज़्यादा स्थायी शुल्क वसूलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान दिल्ली 2041 के ड्राफ्ट के अनुसार दिल्ली में डिस्कॉम की बिजली वितरण की कुल क्षमता 7489.1 मेगावाट है। साल 2018 की बिजली टैरिफ के अनुसार दिल्ली के लिए 7989.18 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है, और यहां अधिकतम मांग है कि 7409 मेगावाट। इससे विपरीत डिस्कॉम उपभोक्ताओं को 22,876 मेगावाट के हिसाब से ही स्थायी शुल्क वसूल रही है। डिस्कॉम दिल्ली वालों से टोटल सैंक्शन लोड यानी कि 22,876 मेगावाट के ऊपर फिक्स चार्जेस वसूल रही है, जबकि हमारे आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली का जो टोटल पावर एलोकेशन है वो 7989 मेगावाट है, और दिल्ली की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 7479 मेगावाट है। यानी कि डिस्कॉम्स का जो टोटल सैंक्शन लोड है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पावर एलोकेशन से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, और हैरानगी है दिल्ली की डिस्कॉम्स दिल्ली वालों से 3 गुना ज़्यादा सैंक्शन लोड के ऊपर फिक्स चार्जेस वसूल रही हैं, और वो भी तब जबकि दिल्ली सरकार ने 28 मार्च 2018 को ये फिक्स चार्जेस 6 से 10 गुना तक बढ़ा दिए। हमने ये सारी बात कल DERC की पब्लिक हियरिंग में जस्टिस महोदय के सामने रख दी है, और उम्मीद करते हैं हमारी बात और हमारे आंकड़ों को तवज्जो देते हुए दिल्ली के लोगों को एक रिलीफ मिलेगा फिक्स चार्जेस के नाम। दिल्ली वालों को बसों की काफ़ी दिक्कतें होती हैं, एक बस के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अगर बात की जाए आनंद विहार बस अड्डे की, तो यहाँ से कई जगहों पर जाने के लिए बसें मिलती हैं, लेकिन लोगों को एक बस भी समय पर नहीं मिल पाती है।
इसको लेकर यात्रियों का कहना है कि कुछ बसें आती हैं तो वो रुकती नहीं, यानी कि बसों की कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। जिस तरह से दिल्ली सरकार बसों को अन्य राज्यों में भेजने की बात कर रही है, दिल्ली में ही स्थिति खराब है। दिल्ली के लिए जितनी बसें लाने की बात की जाती है उतनी बसें नहीं पहुंच पाती हैं। अगर यहाँ की बसों को अन्य राज्यों में भेजा गया तो इससे काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। दिल्ली में जाते काफ़ी इतना वेट नहीं करना पड़ता, समथिंग 30 मिनट या इतना ना, काफ़ी बसें हर जगह के लिए ना, मुश्किल ही होगी। काफ़ी सुविधा है वैसे, दिक्कत ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। दिक्कत ऐसी होगी जो बाहर के ट्रैवलर हैं उन्हें दिक्कत होगी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना, कहीं दूर जाना है वही। बहुत ज़्यादा मैडम, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, और बदायूँ जाना है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। 2 घंटे हो गए मुझे, हमेशा वेट कर रहे हैं हम तो। मैडम बाहर राज्य में देखो जितनी और देशों में जा रही हैं और हमारे बदायूँ क्षेत्र में कम जा रही हैं बसें। अब तुम मेरठ में जाओ, मेरठ में ज़्यादा जा रही हैं गाड़ी, बदायूँ में सबसे ज़्यादा कम जाती हैं। मैडम यहाँ से नहीं मिलती बसें, बहुत कम मिलती हैं, यहाँ बसें नहीं हैं और कोई सीधे मुँह बात नहीं करता यहाँ पे, वेट करना पड़ता है। इनसे पूछा कि वहाँ के लिए बस चाहिए, कहाँ जाना है, तो कोई बताता नहीं है। नहीं मैडम वैसे तो बसें हैं लेकिन यह है कि जाती नहीं है, कोई अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से कश्मीरी गेट से आया हूँ मैं, यहाँ कश्मीरी गेट पे गया, वहाँ पे कोई बस नहीं मिली मेरे को, उन्होंने बोला इस यहाँ से मिलेगी। यहाँ आया हूँ, पता करा, बोला यहाँ नहीं मिलेगी, बाहर रोड पकड़ा जाओ, रोड पकड़ा है भी नहीं और चलती भी नहीं है। वो जो चलती है वो ऐसी है कि उनका काम नहीं होता, ये फ्री के चक्कर में जो गाड़ी का काम ही नहीं होता है, मेंटेनेंस नहीं होती ना ना, बहुत ज़्यादा कैब महसूस होती है, कोई वो नहीं है। 2 घंटे भी हो जाए, 1 घंटा भी हो जाए, वो आती भी है तो वो रोकते नहीं है। पहले दिल्ली का तो हो नहीं रहा बाहर तो जब भेजेगी, दिल्ली में तो कुछ हो ही नहीं रहा है मैडम, दिल्ली में गाड़ियाँ ही नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है, वो अपनी मर्जी कैसे चलते हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में लगभग 9 लाख पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि पौधे कहाँ लगाए गए हैं, किस इलाके में लगे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पौधे लगाए हैं ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अगर पूर्व दिल्ली में जाकर देखें तो सिर्फ सूखे पौधे ही नज़र आते हैं और हर तरफ केवल खुदाई और धूल मिट्टी नज़र आती है। आपको बता दें गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमने दिल्ली में 9 लाख पौधे लगाए हैं। मुझे तो कोई 9 लाख पौधे दिखाई नहीं देते, उसके बाद दिखाई भी देते तो वो भी जहाँ रेड लाइट वगैरह पे लगे हुए वो भी सूखे सूखे, उनमें पानी भी नहीं दिया जाता, जो कि पानी है ही नहीं है दिल्ली के अंदर। इंसान को तो गंदा पानी मिल रहा है, जब भी चलाओ मोटर गंदा पानी आता है और इतना बदबूदार आता है कि हाथ भी 10 बार साबुन से धोने पड़ते हैं जब पानी भर रहे। कई पौधे लगे भी हैं तो वहाँ पानी ही नहीं है, उनके अंदर पानी नहीं दिया जाता और सूखे पड़े, जमुना उस पर जाओ एक्सप्रेस पे वहाँ भी सूखे पड़े पौधे सारे, नहीं दिखाई भी इतने नहीं देते, लेकिन आधे पौधे गिरे हुए आधे ऐसे हुए और कोई पौधा ही नहीं दिखाई देता, दिखाई भी देते उनमें पानी नहीं है तो वो वैसे ही सूख गए। नहीं पौधे तो ठीक लगे नहीं है पौधे, बट ये है कि अगर इन्होंने कहीं लगाया है तो कुछ क्षेत्र में लगाए होंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पौधे लगाने का मतलब होता है कि पॉल्यूशन वगैरह के लिए, थोड़ी से हवा पानी वातावरण के लिए सही चीज करने के लिए लगाई जाती है, बट इतना मात्रा में लगाई नहीं गई है, और अगर लगाई गई है तो दिखता नहीं है, कुछ जगहों पर लगाए होंगे बट हमारे इलाके में जो है इधर में तो कुछ ऐसी दिखता नहीं है। नहीं पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, बहुत पॉल्यूशन से बहुत परेशानी हो रहा है, ठीक है। और जो कुछ साल पहले जो से देखता था मैं, टैंकर से पानी वगैरह भी रोडों में डाले जाते थे, पौधों वगैरह में डाले जाते, उन सब चीज़ों पे कभी अब तो ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। दिल्ली का तो पता नहीं जी, मंडावली में तो एक भी नहीं लगा, दिल्ली का मुझे पता नहीं ज़्यादा, लगाए भी होंगे तो गर्मी पूरी पड़ रही है, पॉल्यूशन पूरा हो रहा है, धूल मिट्टी पूरी उड़ रही है, कहाँ के पौधे पता नहीं है, मैंने जानकारी नहीं है पौधे लगाए दिल्ली मंडावली में तो एक भी नहीं दिख रहा पौधा लगाया नया, पौधे कहाँ दिखाई दे रहे हैं जी। रोड पे पौधा जो होते थे पहले डिवाइडर बीच में वो नहीं दिखते, 2-4-5 का भी दिखते हैं। पार्कों में पौधे हैं जो हैं थोड़े बहुत, रोड पे तो कोई भी पौधा नहीं है, जो हैं वो भी काट देते हैं। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी नाला रोड का आज नामकरण किया गया, रोड का नाम बदल कर अब स्वर्गीय श्री प्यारेलाल भोला मार्ग रखा गया। सड़क के नामकरण के मौके पर पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, आप विधायक एस के बग्गा, नेता विपक्ष मनोज त्यागी, अनारकली वार्ड से निगम पार्षद रेखा दीक्षित और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। प्यारेलाल भोला जी उनके नाम से इस मार्ग को पहचाना जाएगा, और हमने इतने सारे और भी बहुत सारे मुहूर्त किए हैं, कभी किसी के नाम का कभी किसी के नाम का, और ऐसे ही हम आगे सेवा करते रहेंगे पब्लिक की जैसे अब तक करते आए हैं। इस मार्ग का नाम आज से
प्यारे लाल भोले जी नाम मार्ग रखा जाएगा और रखा अभी उद्घाटन माननीय विधायक जी के हाथों उसका होगा। और प्यारे लाल भोले जी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, यहाँ पर आबादी भी नहीं थी जब से उस इस RW जुड़े रहे जगतपुरी से और समाज के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो। ये रोड का नाम प्यारे लाल भोला जी रख रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा श्रवण ऋषि जी का और अपने पार्षदा का जिन्होंने पेन लेकर ये कार्य किया, तो उनको याद किया, बुजुर्गों को याद किया, लोग जानेंगे कि कैसे उनके संस्कार थे। बिल्कुल, आज हमारे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 61 जगतपुरी जो कि नाले से शुरुआत होकर मेन रोड तक का पूरा रोड जो यहाँ से वहाँ तक का है, इसका नाम आज हमारे दादा श्री प्यारे लाल भोला जी के नाम से रखा गया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।